किसान की सबसे बड़ी पार्टी की केंद्रीय मंत्री संगठन में मंत्री बहन अलका गुर्जर जी प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य भाई राजेंद्र गहलोत जी तो ठीक है हमारी जनाक्रोश यात्रा के प्रभारी भाई प्रेम सिंह जी बनवासा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी मावंडिया उदयपुर वाटी के प्रधान बहन माया गुर्जर जी हमारे वरिष्ठ नेता परमादरणीय बनवालाल सैनी जी जो हमारे पूरे जिला उपप्रमुख हैं खेतरी से हम सब उनको संबोधित करने आए मेरे छोटे भाई धर्मपाल गुर्जर जी अनेकों एक सरपंच और संगठन के लोग इस मंच पर विराजमान हैं समस्त महानुभावों के नाम लेना इसलिए उचित नहीं है और समय इस बात की इजाजत नहीं देता सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं सम्मानित मंच और इस सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान मोदी से महंगे मेरे किसान बुजुर्गो जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों मातृशक्ति और बच्चों और मीडिया के बंधु देवी और सजनों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय क्या हुआ पिछले 4 साल से क्या हो रहा है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। कई लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार का काम किया मेरे मित्र धर्मपाल जी से दत्त जी से कहना चाहता हूं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कहकर कांग्रेस को क्यों बनवास बदनाम करते हो ये तो भानुमति का कुनबा है कहीं की ईंट कहीं का रेड़ा भानुमति का कुनबा है। कोई बसपा से आया कोई सपा से आया कोई निर्दलीय आया कई चोरों एक चंडाल चौकड़ी बना के उसको हमने भानुमति का कुनबा नाम दिया और राजस्थान को लूटने का काम किया। राजस्थान में 112 लोग अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और दुर्भाग्य देखिए राजस्थान की जनता का कि यहां मात्र सरकार को बचाने के लिए 112 लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया लूटो खाओ कसोटो मेरी सरकार को मत गिरने देना होटल में जाना चाहो जाओ मुझे देखो डांस देखो नाच गाना देखो खाना खाओ पर मेरी सरकार बची रहनी चाहिए। सरकार एक लगावा बचाने में कुर्सी को दूसरा कह रहा गिरा के छोड़ूंगा तेरी मर्जी और सुख कर ले ये राजस्थान में 4 साल से 4 साल से विकास की कोई बात करने की जरूरत नहीं लूट खसोट हुई उदयपुर वाटी की धरती का सीना चीर चीर कर आयरन और यहां से एक्सपोर्ट किया गया बद्री यहां से निकाली गई पहाड़ों का दोहन यहां किया गया मदन मणकस की हत्या यहां हुई बरबोटा महावीर झाजरिया की हत्याएं हुई इकबाल सैनी की हत्याएं हुई ये तो उदयपुर वाटी में हत्याओं का सिलसिला है 6 लोगों की हत्याएं हो गई है। कोई शख्स खड़ा होकर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में कभी किसी चींटी को मारा गया किसके साथ कोई अन्याय हुई अरे इनका तो इतिहास है परमादरणीय इंद्र सिंह जी के हाथ पैर तोड़ने वाले लोग पोप इंद्र सिंह जी की हत्या करने वाले लोग किशोर परमेश्वर के लाल सैनी सरपंच के हाथ पैर तोड़ने वाले लोग आज उदयपुर वाटी का नेतृत्व कर रहे हैं इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। ऐ बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मैं आपसे आह्वान करने आऊ अब भी वक्त है समय बहुत कम बचा है लंबे चौड़े भाषणों में कुछ नहीं रखा मात्र इतना निवेदन करने आया हूँ आने वाले समय में कोई गलती पिछली बार की तरह हो नहीं जाए नहीं तो कोई कहेगा के करा मारे तो समाज में ही ब्याह मंडगो जरा खोगा साहब भी बनवाएगो कदे खोगा साहब कोई और आएगो इन बातों में कुछ नहीं रखा है मात्र 1, 2, 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई बार व्यक्ति लोग कहते हैं यार योग पर जीत को अर्जुन जीत जाए एक कवि ने बड़ी जोरदार 4 लाइनें लिखी है सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो कहां रह गई कमी देखो सोचो सुधार करो जब तक ना मिल जाए सफलता जब तक ना मिल जाए सफलता नींद चैन को त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम जब तक जब कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी उपस्थिति
आपकी उपस्थिति इस जनकारगोष यात्रा का समापन यह सिद्ध कर रहा है कि आप लोगों में जोश है, आप लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम सब लोग भी आपसे यही निवेदन करने आए, परिवर्तन आना चाहिए। पर वक्त आने के समय सुंदरलाल जी एक बाकारी क्या करता, एक आंधो आदमी एक बड़ा सा होल के बीच में घुसो और गांव में बाहर गाले गेलो बताओ। राजेंद्र जी गेलो जी का गेला जाया, बोले भाई गेला को तो फिरो को नहीं, ये होल के एक बार नो है, ये भीत के हाथ लगा ले और बार ना कहीं चाल तो जा जी खाली जगह आ गई ना बार नो आ जाए, कोई बाहर निकल जाए। आंधो आदमी भीत का हाथ लगा लियो, चाल तो गयो वो बार में टाट में चली खाज, जो खाज खोल लगो बार में रोकर आगे निकल गो। दस एक मना बार में टाट में खाज चाल जागी तो एक जू दो जू लगेंगे और आई काम हो जू लगी और जे थाई ध्यान सुना को लेना बार में जाए गो। इसलिए राजस्थान में क्या हुआ, युवाओं के साथ क्या धोखा हुआ, किसान का क्या कर्जा माफ हुआ, कितने बेरोजगारी हुई, किस प्रकार के पेपर बिके, सारे लोगों ने बहुत बता दिया। हम राजस्थान से ज्यादा दुखी इसलिए हैं कि राजस्थान में कहीं भी ऐसा गुंडा राज नहीं है जैसा उदयपुर वाटी में है। यहां तो अपने आप को बनाए रखने के लिए, खनन माफिया बनकर लूटने के लिए, इंसानों की हत्याएं करने के लिए वो लोग राज करते हैं जो आपके सामने कहते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी यार शराब मूड देखकर बात करता है, ऐसे लोग आपका नेतृत्व करते हैं। और उसके उपरांत कल परसों कह रहे थे मैं तो मुख्यमंत्री को पिटा में बुलाता हूँ, राहुल तक तो छोड़े 15 साल को जी को पिटो कर दियो, तो केरला में बुलावा है। एक किसी को टूटे में बुलाता है और एक किसानों का अपने आप को नेता कहने वाला उनको बयान देता है कि 18 तारीख को मैं किसान सम्मेलन करूंगा। ए मेरे नौजवान दोस्तों, ए किसान बुजुर्गों, हम अगर किसी किसान नेता का सम्मान करना चाहते हैं तो बहुत सी जगह हमारे पास उपलब्ध है। लिबर्टी फार्म हाउस में तो वो लोग जाते हैं जो अन्याय को बढ़ावा देते हैं, जो अन्याय का साथ देते हैं। ये वही फार्म हाउस है जिसको हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय छुड़वाया था। उसी अवैध जगह पर आने के बाद अगर कोई अपने आप को किसान का नेता कहता है तो इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। इसलिए आने वाले समय में लंबी चौड़ी बातों की कोई करने की जरूरत नहीं। आप सब लोगों को सावचेत रहकर ये परिवर्तन लाना है। और मेरी एक ही बात कहूंगा, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े नेता भी मंच पर विराजमान है, उन सबको भी सुनना है। आपसे इतना ही कहता हूं, एक कवि ने बहुत जोरदार बात कही है और वो आप पर भी सब बहुत बखूबी लागू होती है। ए परिंदे तो यूं ही क्यों बैठ कर ऊंचे आसमान को देखता है, ए परिंदे तो यूं ही क्यों बैठ कर ऊंचे आसमान को देखता है, पंखों को फैला ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से सैलाब देखता है। आप देखोगे 4 साल के जो घाव आप पर लगे हैं उनको याद रखोगे, उनको जिंदा रखोगे तो आने वाले समय में परिवर्तन को कोई बदल नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग पधारे, आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। नारी शक्ति को भी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद के आप लोग पधारे, आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, हाथ तो जोड़ूं भारत माता की, वंदे वंदे राम राम चौधरी चौधरी।